ग्राउंड के बीच पधार चुके हैं और मुकाबला लाइव स्टार्ट हो चुका है। उद्घाटन प्रारंभ, तालियां, बहुत बढ़िया। उद्घाटन हो चुका है, सब साहब ने कर दिया उद्घाटन, तालियां बजाई बहुत ही अच्छी तरीके से। अंकल बैट पकड़ो थे स्लिम है। अब कुछ ही पलों में मैच स्टार्ट होने ही वाला है, दर्शकों का टाइम अभी स्टार्ट होने वाला है। शाबाश शाबाश शाबाश, अभी कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें। ठीक है, लो
अब ले जा मंडा बार ले जा हेलो हेलो अभी सत्ता साहब और उनके साथ के सदस्य कमेटी बॉक्स की तरफ पधार रहे हैं उनका हमारी कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है इनका हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है कि आप हमारे इस टूर्नामेंट के उद्घाटन में पधारे ये एक बड़ा रोमांचक मुकाबला है पहला इसका आपको भरपूर आनंद मिलेगा और आपको अंतिम मैच तक कहीं नहीं जाना है विष्णु पूर्व सरपंच कृपया कमेटी में उसकी तरफ पधारे हेलो रवि सकरे हेलो हाँ जी उद्घाटन श्री टाइटल कप के टूर्नामेंट का आगाज हुआ है इसमें श्री गिरधर जी स्वामी नव निर्वाचित सरपंच और बब्बू खान उप सरपंच और सलीम खान गिरधर जी गोचरिया बाड़पन सभी पहुंचे हैं उद्घाटन अभी पहला मैच शुरू होने जा रहा है सुखचंद प्रोफेसर परिसर के बीच में और टॉस करेंगे इसके अंपायर रहेंगे श्री विष्णु करेला और परिसर में टॉस जीता है पहले बैटिंग करेंगे इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा श्री गिरधर जी स्वामी को जो अपने सरपंच है वो अपने दो विचार रखेंगे मेरे युवा साथियों वह मेरे गांव से गणमान्य लोगों ले चाहिए तो मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने ये अपने गांव में टूर्नामेंट रखा है मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर वर्ष आप ऐसे ही टूर्नामेंट रखते रहो मेरा साथ आपके साथ पहले भी था और हमेशा आपके साथ तन मन धन से मैं आपके साथ रहूंगा मेरी हमेशा युवाओं के साथ रहा हूं और मेरे को आज से 2.5 महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे साथ युवाओं का था और मैं उस युवा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे साथ गुजरक मेरे हिसाब से एक भी नहीं था कोई एक दो होगा पर इस युवाओं ने इन युवाओं ने मेरा साथ देके और मुझे विजय बनाया उन युवाओं का बहुत बहुत आभार है और उन युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरी सोच यह है कि आज मेरे कुछ साथी कह रहे हैं कि ग्राउंड नहीं बनाया मैं उन प्रतिनिधियों में से नहीं हूं जो मैंने आज बनाया और वो 5 साल बाद खत्म हो जाए मेरी वो सोच है ताकि ये गिलाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये नाम चले कि ये डुगराना में स्टेडियम है मैं उस सोच में लगा हुआ हूं वो बनाने के लिए मेरे दोस्तों टाइम लगेगा उसमें सबसे पहले अपने को जमीन की जरूरत है अपने पास जमीन नहीं है स्टेडियम के लिए और मैंने बना के मेरे लेटर पेड में और मैंने कलेक्टर साहब को दे दिया है शायद ईश्वर ने साथ दिया तो ठुकराने गांव में स्टेडियम की 5 बीघे से होगी लेकिन मेरा कहना यही है युवा साथियों से कि अपने इस पंचायत को अपने इस गांव को मेरी सोच यह है कि आप यहां से 500 किलोमीटर भी जाके ये कह सको कि हम ठुकराने के रहने वाले हैं ये मेरी सोच है दोस्तों और आप मेरा साथ दो और अपने पंचायत में 5 सालों में ऐसा खेल मिलाने ऐसा स्टेडियम में बनाऊंगा ताकि
पास वाले याद रखेंगे। शायद मेरी यह सोच है कि सूरतगढ़ तहसील में वैसा ना हो। और मैंने बनते ही दूसरे दिन यह प्रक्रिया चालू कर दी थी। उस प्रक्रिया में मेरे दोस्तों टाइम लगता है, ये नहीं कि एक दिन का काम है ताकि मैं वो बना दूं। और यदि वैसा बनाना है, वैसा आप चाहते हो कोई 20-50 हजार रुपए लगा के बना दूं, तो मैं कल ही यहां शुरू करवा देता हूं। आप इतने युवा खड़े हो, आप मेरे को कहो हमें वैसा चाहिए तो मैं वैसा बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी सोच यह है कि अपने ऐसे बनाए ताकि रोज रोज ना बने, रोज रोज नहीं बनेगा, अपने ऐसा बनाएंगे ताकि अपने एक दो पीढ़ी चले। तो मैं तो ये कहना चाहता था अपने भाईचारे से टूर्नामेंट करवाना है ताकि कोई ये ना कहे कि वहां टूर्नामेंट था, वहां ये गड़बड़ हो गई, उसके कारण वो जीत गया, वो नहीं होना चाहिए। मेरी कहीं आपको जरूरत हो, जब भी आपको जरूरत हो रात को फोन कर देना, मैं आपके साथ। और मेरी और मेरे उप सरपंच कलीमा बानो की तरफ से उप विजेता का जो 5100 रुपए इनाम है वो मेरी और उप सरपंच की तरफ से होगा। दोस्तों, युवा साथियों, अपने गांव का भविष्य है। मेरा आपसे निवेदन है, या मेरे भाई कुछ फ्रीचर के भी टीम आई हो या फ्रीचर के भी बेटे हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने किसी के बकावे ना आए। अपने सोच एक रखो कि अपने पंचायत को ऐसा बनाना है ताकि आप कहीं भी जाके कह सके कि ठुकराना पंचायत के रहने वाले हैं। और उसमें आप युवाओं का मेरे को साथ जरूर चाहिए। आप युवा साथ होंगे तब काम होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो इन्हीं के शब्दों के साथ मैं मेरी जुबान को विराम देता हूं। राम राम मित्रों। हेलो, अभी मैच तो स्टार्ट मत करें, अंपायर से मेरा अनुरोध है। हाँ, 5-10 मिनट लग जाएगी भाई, अभी तो सम्मान प्रतीक देना है जनप्रतिनिधि को। हाँ, एक कुर्सी और लो सत्य साहब का, उप सरपंच साहब का। हेलो, अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्त, मेरे क्रिकेट प्रेमी उप सरपंच साहब बकू खान को। आए अपने विचार रखें, कौन पर पड़े? ठीक है, अभी मैं हेलो सभी क्रिकेट प्रेमियों को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी जो क्रिकेट ये कमेटी है जो टूर्नामेंट करा रही है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने ये कराया। खेल को खेल की भावना से खेलना है और किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अच्छे तरह से कर ये टूर्नामेंट करवाना है, अपने को ग्राम पंचायत टुकड़ना का एक नाम ऊपर उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया उप सरपंच साहब। अभी मैं शुरू में सम्मान प्रतीक जो है वो दें। सबसे पहले मैं सरपंच गिरधारी स्वामी को बुलाना चाहूंगा, उनको सम्मान प्रतीक देंगे। भूतपूर्व सरपंच पति विष्णु जी करेला आई। एक मैच बंद करा दो, अंपायर अनुरोध है एक मैच बंद करा दो 10 मिनट। ताली बजाओ जोरदार ताली स्वागत करो। अभी मैं उप सरपंच साहब बकू खान को बुलाना चाहूंगा, उनको सम्मान प्रति देंगे रविंद्र सिंह। आ जाओ नाम। हाँ हाँ
अभी मैं एक नंबर बाल के सलीम शाह बाल पंच को बुलाना चाहूंगा, उनको देंगे विक्रम सिंह सम्मान प्रतीक। विक्रम साहब खाली बताओ भाई। अभी मैं वार्ड पंच नंबर 9 के गिरधारी सिंह बोतड़िया को बुलाना चाहूंगा, उनको विष्णु सिंह देंगे उनको सम्मान प्रतीक। वार्ड नंबर 9 का 10 का है, 10 का खाली बताओ भाई। अभी मैं बुलाना चाहूंगा बालगर जी गोस्वामी को अपना सम्मान प्रतीक ले जाए, उनको सम्मान प्रतीक देंगे पौन पूर्व निदेशक सूरतगढ़ छात्र संघ के। बालगर गोस्वामी प्लीज आए। क्रिकेट का भगत है कोई ठेन का। लास्ट में दे दियो। नरेंद्र जी बद्रवाल पहुंचे अंपायर साहब, आपका सम्मान प्रतीक ले जाओ, उनको देंगे विष्णु स्वामी। सुरेंद्र सिंह दो जल्दी आ जाओ भाई। आज आज जल्दी करो भाई, मोड़ ना करो। अभी मैं बुलाना चाहूंगा अपने सरपंच के मामा जी जगदीश जी स्वामी को, उनको देंगे उप सरपंच साहब। उप सरपंच साहब तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। हाँ है तो ताली बजाओ। अभी मैं बुलाना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बोलदास जी स्वामी को, उनको सम्मान प्रतीक देंगे दिल्ली से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात को नहीं। अभी मैं बुलाना चाहूंगा गिरधारी जी सरमज को, नेत्राम नाई को अपना सम्मान प्रतीक दें। अभी मैं बुलाना चाहूंगा लिल्लू सिंह भैया को सम्मान प्रतीक देंगे अनिल शर्मा। आ जा वेरी गुड, ताली बजाओ भाई। हाँ इसी प्रकार से इस टूर्नामेंट का सहयोग करते रहे और टूर्नामेंट देखते रहे। सरपंच साहब आपका टाइम मिले तो अंत आते रह गए, अभी टूर्नामेंट लंबा चलेगा। अभी मैच स्टार्ट करो भाई, अंपायर साहब अभी टूर्नामेंट स्टार्ट करें। हाँ सुरेंद्र सिंह है, हाँ सुरेंद्र नरेंद्र जी जल्दी करो स्टार्ट मैच। प्रिंसर ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करेंगे प्रिंसर। प्रिंसर के कप्तान, हाँ 6 ओवर का मैच है। शैलू सिंह जी आपकी टीम की रिपोर्ट दो। बेटे भाजी चाह पी से बन गए, चाह पी के जाइयो। स्कोर से स्कोर है हमें अनिल जी शर्मा स्कोर है, विष्णु विष्णु तू है स्कोर यार पहला। अनिल कौन से आप ही साल 200 रुपये लिखो अनिल गिद्दारी जी से पंच का फेसबुक ले जाइए, यूट्यूब के चैनल ले लो। मैं कर रहा हूं, कोई नहीं स्टार्ट है।
बगू मैच देख किसे को मैच देख छह औरंग मैच है छह औरंग मैच है अरे यार छह औरंग मैच है हाँ जी The man has the first ball. Baller deals with the ball and catches the ball for Hartley. There's a misfield. Felder behind the ball and stops the ball with the players and the size of football. Throw the fans, take the two run. Very good run between the wicket to wicket. Two run as the first ball by the Balveer Singh. पहली बॉल पे बलवीर ने तीन रन स्कोर किया अच्छा कट था फील्डर की मिसफील्डिंग थी इसी वजह से तीन रन ले गए आसानी से अभी दूसरी गेंद डिलीवर की चैलेंजिंग का बड़ा शॉट गेंद हवा में फील्डर बॉल के नीचे और ये आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में चैलेंजिंग पहली गेंद पे पवेलियन की दिशा में लौट गए नहीं बोल है यार शॉट उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में पर उसको जो अंजाम देना चाहते थे वो दे नहीं पाए और बैट हाथ में घूम गया इसी वजह से बॉल हवा में ज्यादा दे रही और फील्डर ने एक आसान सा कैच लपका और चेलू सिंह इसी की वजह से बाहर का रास्ता मिल गया इनको नए बल्लेबाज अभी बलवीर सामना करेंगे तीसरी गेंद का देखते क्या करते हैं और आसानी से गेंद को सम्मान दिया अच्छी गेंद थी पिच पे काफी उछाल है पड़ने के बाद स्विंग भी हो रही है इसी वजह से बल्लेबाजों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी तक अच्छी गेंदबाजी तीन गेंदों में तीन ही रन दिए हैं और एक विकेट बड़ा चलुसी का अगली गेंद डिलीवर की और बलवीर ने उठा दिया है उसी दिशा में फिर से फिल्डर अन बॉल के नीचे अच्छी फील्डिंग डाइव किया और अपनी टीम के लिए दो रन बचाए बहुत ही अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन के फील्डर के द्वारा अगर ये कैच के लिए गए इसी वजह से दो रन बचा लिए अपनी टीम के लिए वरना ये चार रन हो जाते अच्छी फील्डिंग दो रन बचाए अगली गेंद बलवीर का फिर से घुमाने का प्रयास मिस हिट गेंद को मिस किया और ये डॉट डिलीवरी अच्छी गेंदबाजी अब तक मात्र पांच रन दिए हैं अब तक इस ओवर में और इस ओवर की अभी अंतिम गेंद है देखते हैं क्या नतीजा आता है पहली गेंद पे तीन रन मिले थे मिसफील्ड के द्वारा अभी अगली गेंद डिलीवर की बलवीर काफी से घुमाने का प्रयास और ये अब तक का अच्छा ओवर पहले ओवर से पांच रन एक विकेट किफायती ओवर एक बड़ा विकेट चेलू सिंह का जो लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पकड़ा इसी वजह से इनको पहले ओवर में दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया पहले ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और किफायती गेंदबाजी के तहत ये स्कोर एक विकेट के नुकसान पर पांच रन बॉलर नेम राजेश अपना हाथ खड़ा करें राजेश है तो प्लीज अप योर हैंड्स ओके यू हैव द गुड्स The first over, five runs and one wicket. Very good over. Rakesh starting the second over and then the first over is this. Lining the boot. The changing the fielding placement. Cover point, leg slip and Kali cover sides. Surrender, the front bar and the leg up bar is in the other end of the This is the size of fielding. The four fielder out of the third line circle. Four line circle. Vishnu spread the ball and cutting the ball but missing the line. And first ball Rakesh is good. Ball Kami Pangi swinging and the lefting the ball continuing. Rakesh chale apni dusri gend leke Ranjit ke liye. और ये क्या होगा ये घुमाने का प्रयास हाथों में ले मेरे सीधे आसान सा कैच कवर के फील्डर के हाथों में आसान सा बहुत ही सिंपल कैच घुमाने का प्रयास था
कट किया गेंद को और बैट जो हाथ में घूम गया, इसी वजह से राकेश को अपना पहला विकेट मिला दूसरी गेंद पे रणजीत के रूप में। बहुत ही आसान सा गेंद व्हाइट टी शर्ट के फील्डर के लिए। अमरजीत नए बल्लेबाज आए हैं, ये भी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं अभी क्या करते हैं। छह ओवरों का ये मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है। जिस प्रकार की उछाल है पिच पे उसी वजह से भाप नहीं पाए लाइन को और विकेट गवा बैठे रणजीत अपना। अमरजीत सामना करेंगे पहली गेंद का और गेंद को कट किया फिल्डर उसके पीछे और एक रन आसानी से चुरा लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंद हो चुकी है इस ओवर की अब तक, 1 विकेट इस ओवर में 1 रन, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। 3 गेंदों में मात्र 1 रन और 1 विकेट जो बड़ा रणजीत का लिया उसी।